सबसे पहले जेल में बैठे हुए मंच पर आप सब जितने बैठे हैं आपको प्रणाम करके, मेरे सामने जो सब बैठे हैं उनको प्रणाम करके, अपने इष्ट देव को प्रणाम करके, आप सब का आज की मीटिंग में मैं अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने शॉर्ट नोटिस में, वर्किंग डे में, एक एक छोटे छोटे मैसेज में आप लोग सब कुछ छोड़ के आ जाते हैं त्योहार के दिन। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। आज भी आज त्योहार है, आप सारे एक शब्द में आ गए। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अरविंद जी के जेल में जाने के बाद, गिरफ्तारी के बाद, आज पहली बार हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो दो तीन चीज़ें आज स्पष्ट करेंगे ताकि हम सबको भी उससे डायरेक्शन मिले और हम सबको आधार मिले। मैं एक चीज़ शुरू में ही कहना चाहता हूं कि मैं 24 घंटे काम करूंगा और मैं ये चाहता हूं कि आप भी 24 घंटे दें। पक्की बात है। जैसे आतिशी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, मेरे दिमाग पे वो था नहीं, पहले सुनने के बाद मुझे लगा कि बिल्कुल फिट है, कि जैसे कंस को मालूम था कि उसका अंत कृष्ण के हाथ होने वाला है, जैसे रावण को मालूम था कि उसका अंत भगवान श्री राम के हाथ होने वाला है, इतनी बुद्धि मोदी के पास भी है, उसको भी मालूम है कि उसका अंत केजरीवाल के हाथ होने वाला है। तो उनको यह मालूम है कि उनका अंत केजरीवाल के हाथ है, इसीलिए अपना वो षड्यंत्र शुरू से ही उन्होंने करना शुरू कर लिया। जब दिल्ली में सरकार आप लोगों ने बनाया, वो अद्भुत था, बहुत अद्भुत था। तब मैं बाहर से देख रहा था, इंग्लैंड में पढ़ाई करता था, पूरे दिन
हमने कुछ काम नहीं किया, बस टीवी के सामने आपको देखते रहे आप सारे लोगों को। तो दिल्ली में सरकार जब बनी तो मोदी जी को यह लगा कि चलो कोई बात नहीं, दिल्ली में बन गई, इनको खत्म कर लेंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे। आपने फिर कमाल कर दिया, पंजाब में आपकी सरकार बन गई। जब पंजाब में आपने सरकार बनाया उसके बाद ये वापस इकट्ठे बैठे, प्लानिंग किए, षड्यंत्र किए, फिर बोले अब पंजाब से बाहर इनको नहीं जाने देने, कैसे भी करके अब दिल्ली और पंजाब में रुको। उसके बाद आप सारे गुजरात पहुंच गए, गुजरात में जो आपने किया उसके बाद इन्होंने यह तय कर लिया कि कैसे भी करके इस पार्टी को तुरंत खत्म करो, नहीं तो ये हम सब को खा जाएगा केजरीवाल। फिर इन्होंने नैतिक अनैतिक सारे बाउंड्रीज तोड़ दिए, इनके लिए अब कोई मायने नहीं रखता है नीति क्या है, अनीति क्या है, बस अब पार्टी को खत्म करना है, आपको खत्म करना है, केजरीवाल को खत्म करना है। तो इनके षड्यंत्र का हिस्सा था कि केजरीवाल को गिरफ्तार करो, और इसके बाद इनके षड्यंत्र का अगला जो कदम है मैं आपको बताने जा रहा हूं, इनके षड्यंत्र का अगला जो कदम है वो उनसे इस्तीफा मांगेंगे। जैसे अगर आप इस्तीफा दे देते हो उसके बाद इनका अगला कदम है पार्टी को तोड़ो। तो अरेस्ट तक तो इनके हाथ में था, वहां तक तो आप कुछ कर नहीं सकते, ईडी सीबीआई बीजेपी के हेडक्वार्टर से चिट्ठियां लेती है, तो अरेस्ट तक तो उनके हाथ में था, यहां से आगे की जिम्मेदारी हमारे हाथ में। मैं आप सब से पूरी ईमानदारी से दो प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके ठीक किया? क्या गिरफ्तार करके ठीक किया? क्या गिरफ्तार करके ठीक किया? मेरा अब सारे लोग हाथ उठा के मुझे बताओ, क्या नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके ठीक काम किया? मेरा अगला प्रश्न है और आप ईमानदारी से बताना सारा, क्या अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए? क्या उनको इस्तीफा देना चाहिए? मैं भी मानता हूं कि उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए। आप लोग क्या मानते हो? क्या मानते हो आप सारे? क्या अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए? यही तो इनका षड्यंत्र है, यही इनका षड्यंत्र है, यही इनका षड्यंत्र है कि गिरफ्तार करने के बाद इस्तीफा ले लो और फिर तोड़ो। पूरी पार्टी की तरफ से, सभी वॉलंटियर की तरफ से मैं अरविंद केजरीवाल जी से निवेदन करता हूं, अगर आप कहें तो, कि केजरीवाल सर आपको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, जेल से चलाएंगे सरकार, क्या दिक्कत है, किसको दिक्कत है, किसको दिक्कत है, जेल से चलेगी सरकार, आप जेल से ऑर्डर पास करो, हम अमल करेंगे। ये कहते थे कि पार्टी तोड़ लेंगे, मैं चुनौती देता हूं भाजपा को कि एक भी आदमी तोड़ के दिखाओ, कोई नहीं टूट रहा, कर लो जो मर्जी करना है। ये कोशिश करेंगे दिल्ली में तोड़ेंगे, ये कोशिश करेंगे पंजाब में तोड़ने की, ये कोशिश कर रहे हैं गुजरात में तोड़ने की, कोशिश कर रहे हैं गोवा में तोड़ने की, चारों तरफ कोशिश कर रहे हैं। मैं चुनौती देता हूं तोड़ के दिखाओ। अंदर बैठा केजरीवाल बाहर वाले से भी ज्यादा खतरनाक है,
आपको आपको वो परिस्थिति याद है जब भगवान कृष्ण समझाने गए थे दुर्योधन को कि भाई 5 गांव दे दो। गए थे ना भगवान कृष्ण, उनकी सभा लगी थी, भगवान कृष्ण आते हैं और कहते हैं भाई 5 गांव दे दो, बाकी सारी चीज रख लो। हम क्या मांग रहे थे, केजरीवाल जी क्या मांग रहे थे, केजरीवाल जी कह रहे थे कि भाई सभी बच्चों के लिए स्कूल बना दो यार, सभी को बिजली फ्री कर दो, सभी का अस्पताल बना दो, भ्रष्टाचार खत्म कर दो, यही तो मांग रहे थे केजरीवाल जी। दुर्योधन ने क्या किया पता है, दुर्योधन ने अपने दूत को बुलाया और बोला गिरफ्तार कर लो इसको। उन्होंने भगवान कृष्ण को गिरफ्तार करने की कोशिश की, गिरफ्तार किए। भगवान ने फिर उन्हें कहा था कि हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मोल न पहचाना, ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, समर नहीं अब रड़ होगा, समर नहीं अब रड़ होगा, जीवन जय अमरण होगा, और रड़ ऐसा होगा जैसे पहले कभी। आप गिरफ्तार कर लिए, बहुत बहुत बधाई आपको, क्योंकि आप केजरीवाल को जानते ही नहीं थे, आपको मालूम ही नहीं कि अंदर बैठा केजरीवाल आपके लिए बाहर वाले केजरीवाल से ज्यादा खतरनाक है। कई लोगों के मन में एक प्रश्न आया, हमारे वाले नहीं बाहर वाले, उनके मन में एक प्रश्न आया कि यार केजरीवाल जी तो अब जेल के अंदर है, अब पार्टी चलेगी कैसे, आया ना कई लोगों के मन में प्रश्न। कई लोगों के मन में प्रश्न आया, मुझे फोन किए कैसे चलेगी पार्टी, कैसे चलेगी, क्या होगा, कैसे होगा। 2 दिन कई लोगों के मन में प्रश्न चलता रहा, घूमता रहा, क्या होगा। मेरे पास इसका जवाब है, जैसे पहले पार्टी चल रही थी वैसे ही अब भी चल रही। पहले केजरीवाल जी कहां बैठते थे, सिविल लाइंस में, सिविल लाइंस से ऑर्डर आता था फलाने चीज करना है, बस हम करते थे। पहले सिविल लाइंस से ऑर्डर आता था, अब जेल से ऑर्डर आएगा। किसी को कोई संदेह है, ऐसे चलेगी पार्टी। पहले इंटरेस्टिंग है, पहले केजरीवाल जी के पास बहुत काम होता था, ये गवर्नेंस का काम, इसका काम, उसका काम, तब तो उन्होंने इनका बैंड बजा के रखा था। अब सोचो दिन भर तो पेन पेपर लेके बैठे हुए हैं वहां पे, फिर क्या होगा इनका। तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, अपने मन में प्रश्न मत लाना, केजरीवाल जी ऑर्डर देते जाएंगे, हम सारे मिलके, हमारा नेता केजरीवाल। कब इधर बैठे थे, इधर से ऑर्डर आता था, उधर बैठे भाई उधर से ऑर्डर आ जाएगा, क्या फर्क पड़ना है, कोई फर्क पड़ना है। तो अब ये प्रश्न किसी के दिमाग पे है, कोई पूछे तो बताना, पक्की बात है आगे बढ़े। मुझे यह लग रहा है कि भगवान एक डिजाइन बनाए हुए हैं। 3 ऐसी घटनाएं हुई है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि सीधे सीधे भगवान इंटरवीन कर रहे हैं पूरी परिस्थिति में। मैं उदाहरण देता हूं, पहला, आपको पता है चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव की चोरी हो गई थी, आपको मालूम है, सब उम्मीद छोड़ दिए थे कि कैसे लड़े, अब क्या करें, चोरी हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई, लेकिन ऊपर वाले ने अपना पहला कदम बढ़ाया, उन्होंने कैमरे को चालू कर दिया, इन्होंने कैमरे को बंद किया लेकिन भगवान ने कैमरा चालू कर दिया।
पहली बार ये फंसे चंडीगढ़ चोरी करते हुए, कैमरे में बात आई, कोर्ट ने इसको बदला, पूरे देश ने देखा, पूरे देश ने, अभी तक तो ये चोरी करते थे पर पकड़े नहीं जाते थे, पहली बार रंगे हाथों। तो भगवान ने अपनी पहली चाल चली, पूरे देश ने देखा, मोदी की बहुत थूथू हुई चारों तरफ, विदेशों में भी थूथू हुई। उसके बाद दूसरा क्या हुआ पता है? अब हम फिर जिस तरीके से गिरफ्तारी 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 सारा कुछ चल रहा था, सब उम्मीद छोड़ रहे थे, फिर भगवान ने अपनी दूसरी चाल चली, दूसरा कदम बढ़ाया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड वाला, चंदा वाला जो मुद्दा था उसको ओपन कर दिया। इस चंदे भारतीय जनता पार्टी ने जो चंदा लेकर यह पूरा षड्यंत्र बनाया हुआ है, उसका राज खुल गया। यह दूसरा था ऐसा कदम भगवान का जो पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा। इतने में उनकी बुद्धि नहीं संभली, तीसरा कदम फिर भगवान ने प्रकृति की मर्जी और इच्छा से हुआ है कि जो ये 400 चिल्ला रहे थे उसको 40 पे लाने वाले केजरीवाल को इन्होंने गिरफ्तार किया। ये तीन ऐसी चीजें हुई है, आप बताओ ये कैसे संभव है ईश्वर के इंटरवेंशन के बिना कि भाई चंडीगढ़ की चोरी पकड़ी जाती? ये कैसे कभी हुआ? क्या कोई सोचा था क्या कि इलेक्टोरल बॉन्ड में इतना सारा चंदे का पैसा कोर्ट दिखाएगी जनता को सामने लाकर? कभी किसी ने सोचा था कि केजरीवाल को ये? जब सच है विपत्ति जब छाती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, चढ़ खुद विपत्ति पर छाने को, शूलों का मूल नशाने को, विनाश काले विपरीत। तो ये तीन ऐसी चीजें हुई है जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी। आज दिल्ली से, मैं अगर गलत कह रहा हूं तो बताना, चारों तरफ से एक खबर आ रही कि भाई केजरीवाल का जो लोकसभा में जो लोग नहीं देते थे, अब वो सारे के सारे कह रहे हैं कि इस बार तो लोकसभा में वोट देंगे। मैं सोच रहा था यार मैं कैंपेन डिजाइन करूंगा, कैंपेन करूंगा, कैंपेन करूंगा, हमारा कैंपेन मोदी कर रहा है भाई। अच्छा है भाई, अच्छा है, कैंपेन करो आप। मतलब तुम्हारी मति मारी गई थी, तुमने केजरीवाल को गिरफ्तार किया, इनको लग रहा है कि ये लोग इधर उधर हो जाएंगे। बाप है बाप, दोस्तों अब अपने को इस लड़ाई को एक कदम आगे लेके जाना पड़ेगा। आज मैं आपसे अनुमति लेने के लिए और आपको बताने के लिए बुलाया था, मुझे ये सर के तरफ से ऑर्डर आया है। जैसे मैंने बताया कि पार्टी कैसे चलेगी, उसका पहला ऑर्डर आया है मेरे पास ऑर्डर आया है कि 31 तारीख को एक बड़ी रैली दिल्ली में करनी है, रामलीला मैदान। अब जो ऑर्डर आया है उसको निभाने की जिम्मेदारी मेरे अकेले की नहीं है। मैं तो बहुत बहुत छोटा सा ऑर्डिनरी सा आदमी हूं, ना मेरी उतनी बुद्धि, ना मुझे आपने पद दे दिया, पद दे के मेरा मान बढ़ाया, लेकिन इसको पूरा करने की जिम्मेदारी हम सब की है। तो 31 तारीख का सर के ऑर्डर को हम मान ले, इसको करें, आगे बढ़े। 31 तारीख को रामलीला मैदान, 31 तारीख को रामलीला मैदान में बहुत विशाल रैली करेंगे, पक्की बात है। अब इसको करने के लिए हमारे पास कितने दिन बचे? अब कल गया, होली है, कुछ नहीं कर सकते, तो 4-5 दिन बचे। लेकिन कई लोग मुझे ये कह रहे थे, मैंने खुद समय मांगा, जब मेरे पास आया कि यार 31 को बड़ी रैली करनी है, तो मैं थोड़ा घबरा गया। मैं बोला यार मेरे पास 5 दिन भी पूरे नहीं है, मैं कैसे? बस फिर ऑर्डर आ गया है तो फिर आ गया तो आ गया, अभी इसको करेंगे। तो फिर हमने प्लान बनाया है, इस प्लान को मैं 2 मिनट पे आपको बताता हूं, इसके बाद हम अपने अपने घर जाएंगे और घर जाके आगे की तैयारी करेंगे।
आज 24 तारीख है, कल 25 तारीख है। 25 तारीख को कुछ नहीं करते हम, होली नहीं मनाएंगे, लेकिन कई लोग जो लोग मनाते हैं दूसरे लोग, उन पे हमें वो नहीं करना है। 26 तारीख से हम अपनी तैयारी शुरू करेंगे। तो 26 तारीख को सभी विधानसभाओं में एक तैयारी बैठक होगी। किस तारीख को? 26 को। 26 को कहां पर होगी? हर विधानसभा में। तो विधानसभा में ऊपर से लीडर भी जाएंगे और जितने भी हमारे विधायकगण और पार्षदगण हैं, ये मिलकर इसको सफल बनाएंगे। 26 तारीख को हर विधानसभा में सारे वॉलेंटियर, सारे पदाधिकारियों की एक मीटिंग रखेंगे तैयारी वाली। ये पक्की बात है? पक्की बात है। अपने पास सारे 70 के 70 विधानसभाओं में करने के लिए कितने दिन है? एक दिन में सारे 70 विधानसभा में विधानसभा लेवल पे मीटिंग होनी, सबको अपने अपने करने। उसके बाद अगले 2 दिन हम मंडल लेवल पर मीटिंग करेंगे। तो जितने हमारे मंडल प्रभारी हैं, जितने हमारे विधायकगण हैं, पार्षदगण हैं, सबको मिलकर हर मंडल पे यही हम तैयारी बैठक करेंगे। कितने दिन करेंगे? कौन कौन सी तारीख को? 27 और 28 को। तो हमने 26 को विधानसभा लेवल पे कर लिया, 27 और 28 को सीधे मंडल लेवल पे पहुंच गए। और इसमें मीटिंग करके क्या करेंगे? एक टारगेट लेना तो जरूरी होता है ना सफल बनाने के लिए। हर बूथ से कम 10 व्यक्ति रामलीला मैदान पहुंचेंगे। कितने? एक बूथ से कितने? बस। कोई आपसे पूछे कि भाई टारगेट क्या है, तो टारगेट क्या है? टारगेट 10 है बस, हर बूथ से 10 की। और आपको बड़े लेवल पे नहीं सोचना है। जब आप सोचोगे विधानसभा लेवल पे, लोकसभा लेवल पे, स्टेट लेवल पे, तो माइंड कंफ्यूज हो जाता है। आपको सोचना ही यही है कि भाई बूथ कितने हैं, हर बूथ से 10 आदमी। ये पक्की बात है? तो लगभग 13-14 हजार आपके बूथ हैं। कितने बूथ हैं? तो टोटल कितने हो गए? 1,40,000, 1.5 लाख के आसपास हो गए। अब ये 1.5 लाख के 1.5 लाख लोगों को रामलीला मैदान में, बस इतना सा छोटा सा प्लान है। मंडल, हर मंडल पे हम अपने लोगों को एकत्रित करेंगे। तो मंडल जो मीटिंग होगी, आज मैं सारे मंडल प्रभारी, विधायकगण, पार्षदगण, जो भी नेता यहां बैठे, जिस जिस मंडल की जिम्मेदारी, जिस जिस बूथ की जिम्मेदारी आपके पास है, अभी से ही अपने बूथों में, हर बूथ में 10-10 व्यक्ति के नाम और नंबर बनाने आप अभी से, आज से शुरू कर दो। इसके बाद जब मंडल में मीटिंग होगी 27 और 28 तारीख को, तो जो लिस्ट आप बनाए होंगे उन सबको आप बुलाना और वहां से उनसे हामी भरवाना, पूछना कि आप चलोगे क्या 31 तारीख को, रविवार का दिन है, संडे। तो जो जो कहेंगे हाँ चलेंगे, उसके सामने टिक मार्क कर लेंगे। तो जो इकट्ठा करेंगे वो किस लेवल पे करेंगे? मंडल लेवल पे करेंगे। मंडल लेवल पे इकट्ठा करेंगे, हर बूथ से 10-10 व्यक्ति का करेंगे और मंडल से उनको लेकर यहां पे आएंगे। जितने मंडल प्रभारी हैं, विधायक जी हैं, पार्षदगण हैं, इनकी जिम्मेदारी बनेगी, सारे आपस में मिलके करें। ये पक्की बात है? सारे को क्लियर है? इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है? हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट क्या है? बस बस 10 है। तो 1.5 लाख लोग यहां पहुंचेंगे और रामलीला मैदान में इकट्ठे होकर अरविंद केजरीवाल जी अपना संदेश वहां भेजेंगे। संदेश को सब पूरे गली गली और बूथ तक पहुंचाएंगे। और इस तरीके से हमारा पहला जो प्लान है वो ये 31 तारीख की मेगा रैली। इसके अभी आपको और बताएंगे और टाइम के बारे में लिखित में आपको आएगा। तो 26 तारीख की मीटिंग विधानसभा वाइज और 27 और 28 मंडल वाइज आपको करनी है। ये मेगा रैली करने के बाद आगे की सारी चीजें,
सर का ऑर्डर आ जाएगा एक दो दिन में, उसकी तैयारी करके इसके बाद करके जो हमारा कैंपेन चल रहा था थोड़ा इधर उधर हुआ जो, उसको वापस से करेंगे और सारी की सारी सीटें जीत गई। बस मेरा अंतिम एक शब्द आप सबके लिए, हम ऐसे समय पर खड़े हैं जहां पर आपस में मतभेद, आपस में द्वेष या आपस के छोटी छोटी दिक्कतें, इसको त्यागना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं कि जी विधायक जी का पार्षद से नहीं बन रहा है, पार्षद जी का वहां के वार्ड से नहीं बन रहा है, इसका उससे नहीं बन रहा है, ये बहुत छोटी चीजें। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि केजरीवाल जी के बाहर आते तक इसका परित्याग कर दो, और मुझे पूरा भरोसा है कई जगह मंडल प्रभारी बने हैं उनको उचित सम्मान नहीं मिलता उचित। आज मैं सभी विधायक गणों से, सभी पार्षदों से ये हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि मंडल लेवल के जो पदाधिकारी ऑफिस बेरर बने हैं सबके नंबर अपने पास रखो, सबको बुलाओ, सबको चाय पिलाओ, एक साथ बैठो, इकट्ठे होके इसको मिलके करेंगे। किसी के बीच में भी कोई ये टीम वो फलाना टीम वो ढिमका टीम, ये टीम एक ही टीम है इस पार्टी में, एक ही टीम है इस पार्टी में, और कोई टीम है क्या? तो मुझे बस इतना ही कहना था, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब आए। और हाँ अच्छा, एक ये हम करेंगे अभी, एक सुझाव आया है कि मैं भी केजरीवाल कैंपेन हम अभी लॉन्च करेंगे, जिसपे हम ये कह रहे हैं कि एक स्टिकर देंगे आपको अपने घर के बाहर बड़ा सा, उस पे मैं भी केजरीवाल लिखेंगे, फिर ऑटो पे, घर पे, होर्डिंग पे, पोस्टर पे मैं भी केजरीवाल कैंपेन हम शुरू करने जा रहे हैं। तो इस पे हर आदमी केजरीवाल यहाँ का बनेगा। और फिर ये क्या लिखा हुआ है, हाँ एक चीज ये है कि आज से हम यहाँ पे एक ब्लैक बैंड बांध सकते हैं, यहाँ पे काला पट्टा बांध सकते हैं, और मैं भी अब इसको बांधूंगा, बहुत अच्छा सुझाव है। और आप सबकी मर्जी, आप सब भी बांधना चाहे तो।